सो so, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और आपने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार जल्दी सब्सक्राइब कर दो अभी रिसेंटली उन्होंने नया वीडियो डाला है और जैसे ही उनके चैनल पे कोई नया वीडियो आता है तो आपका भी रिक्वेस्ट आना चालू हो जाते हैं हमें इज़ ऑब्वियसली वन ऑफ़ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेनर इन यूट्यूब चलिए देखते हैं सो टूडे वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अनदर फेमस स्ट्रैटेजी विच इज़ आर एस आई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा सो एज द नेम सजेस्ट दिस स्ट्रैटेजी यूजिस आर एस आई इंडिकेटर विच इज़ कम्बाइंड विद एम एंड डब्ल्यू पैटर्न इनकी जनरली स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल होती है बट दिस वन इज़ अ लिटिल ट्रिकी वन क्योंकि बहुत सारी चीज़ उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन या कवर नहीं किया इनकी फाइव एम ए स्ट्रैटेजी भी बहुत फेमस है तो देखते हैं ये उसके कंपेरिजन में कैसे काम करता है सो दिस इज ए इंडेक्स स्ट्रेटेजी और जैसे आप जानते हो कि हम इंडेक्स स्ट्रेटेजी को फ्यूचर्स के लिए टेस्ट करते हैं और उसके रिजल्ट देख के अपन आइडिया लगा सकते हैं कि ऑप्शन में कैसे काम करेगा तो so, इंट्रो के हम पे चलते हैं जहां हम आर एस आई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम सुबाशीस पानी ऑफ पावर ऑफ स्टॉक्स को टोटल हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और चेक करेंगे कि कैसे काम करता है सो हाई एवरी वन दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इन साइड स्टार्ट दीडियो सबसे पहले हम ट्रेडिंग भी ओपन करेंगे अभी हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी प्लॉट करना है सिंपली यहाँ ऊपर क्लिक करो तो निफ्टी या बैंक निफ्टी कुछ भी सर्च करो हम बैंक निफ्टी सर्च करेंगे उसको ऐड कर देंगे अब टाइम फ्रेम को फाइव मिनट्स कर देंगे इसके बाद हमें आर एस आई एड करना है सिंपली यहां पर ऊपर इंडिकेटर्स में क्लिक करके आरएसआई सर्च करेंगे तो ये बिल्टिन वाला आ जाएगा इसको एड कर देंगे अब सेटिंग्स में जाके स्टाइल में आर एस आई आर एस आई अपर बैंड और आर एस आई लोअर बैंड को छोड़ के बाकी सब अनटिक करेंगे और आर एस आई लोअर बैंड के वैल्यू को फोर्टी कर देंगे और ओके okay कर देंगे उन्होंने ये बोला था कि इंडेक्स में आपको आर एस आई लोअर बैंड को फोर्टी रखना है और स्टॉक्स के लिए अगर टेस्ट कर रहे हो तो थर्टी रखना है सो so, हो गया सेटअप रेडी चलिए रूल्स देखने से पहले आपको सेटअप थोड़ा सा समझा देता हूँ ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो उन्होंने अपने वीडियो में लिया था सेल रूल के हिसाब से जैसे एक बार आपका आर एस के ऊपर गया तो आपको रेडी हो जाना है अभी जैसे ही आपका आर एक सपोर्ट लेगा दैट इज ऐसा नीचे आके ऊपर जाएगा दैट इज द पॉइंट वेर विल प्लान योर एंट्री जैसे आप यहाँ देख सकते हो यहाँ आर एस आई ने 70 के ऊपर गया है और ये आर एस आई ने ये कैंडल पे नीचे जाके ऊपर गया तो ये काइंड kind ऑफ of एक छोटा सा सपोर्ट लिया इधर और ये सपोर्ट आपको इसके नेक्स्ट कैंडल पे ही पता चलेगा अभी जहाँ पर भी आर ये सपोर्ट लेता है ना हमारे रूल्स के हिसाब से वो कैंडल हमारे लिए ट्रिगर कैंडल बन जाता है उसका हाई और लो हम मार्क करेंगे अभी सेल रूल्स देख रहे हैं तो जैसे ही उसका लो ब्रेक करता है हमें एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस उसी कैंडल का हाई रखना है अभी टारगेट ही प्रिफर्स की वो बड़ा टारगेट ले इसके लिए उन्होंने ऐसा रखा है कि जैसे ही आपका आर एस आई फोर्टी हीट करता है तब आपको एग्जिट करना है तो यहाँ देखिए आपको इतना बड़ा मुंह मिला अब आप सोचोगे प्रणित स्ट्रैटी तो इतना सिंपल है तो तुम क्यों बोल रहे हो कि इतना ट्रिकी है समझाता हूँ भाई रुको थोड़ा अब यहाँ देखो यहाँ प्राइस फोर्टी के नीचे गया तो सेल रूल्स का एग्जैक्ट ऑपोजिट बाय रूल्स जैसे ही प्राइस फोर्टी के नीचे गया और एक रेजिस्टेंस बना के नीचे जाएगा तो ये यह देखो यहाँ पर छोटा सा रेजिस्टेंस जैसा बना है तो ये जहाँ पर भी होगा हम उस कैंडल को ट्रिगर कैंडल बोलेंगे जैसे ही प्राइस ये ट्रिगर कैंडल का हाई ब्रेक करेगा हम वहाँ एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस ये ट्रिगर कैंडल का लो रखेंगे और टारगेट सेम ऊपर जैसा ही हम बड़ा टारगेट लेंगे तो जैसे ही ये आर एस के ऊपर जाएगा हम वहाँ एग्जिट करेंगे इस केस में तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ कोई बात नहीं अब प्रॉब्लम क्या है अभी प्रॉब्लम हमारा ये वाला पार्ट है कि उन्होंने अपने वीडियोस में ना एक्चुअली बोले तो बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लिया बट जो ट्रिकी पार्ट है वो उन्होंने अपने वीडियो में पार्ट ही नहीं किया जैसे यहाँ देखिए आर एस के ऊपर है और ये वाले पॉइंट ने सपोर्ट लिया तो आप देखोगे आपको यहाँ कोई एंट्री नहीं मिला है और फिर आपको यहाँ पर एक और सपोर्ट मिला है फिर यहाँ पर एक और सपोर्ट बनाया जहाँ पर आपको आइडियली एंट्री लेना है जो इस केस में स्टॉप लॉस हिट हो जाता है बट अभी क्वेश्चन ये है कि अगर समझो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और प्राइस अभी सेवेंटी के ऊपर है तो आपको एंट्री यहां पर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए या फिर आपको इधर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ये सारे एग्जाम्पल उन्होंने अपने वीडियो में डिस्कस ही नहीं किया जब आप बैक टेस्टिंग करोगे ना तो आपको मेजर एग्जाम्पल ऐसे ही मिलेंगे अब कुछ लोग होंगे जो कमेंट में लिखेंगे भाई एम पैटर्न या फिर डब्ल्यू पैटर्न को ट्रेड करना है बट एज पर रूल आप देखोगे एम पैटर्न फॉर्म होने से पहले ही वो एंट्री ले रहे बोलने के लिए कोई इसको एम पैटर्न बोल सकता है या फिर इसको एम पैटर्न बोल सकते हैं मैं किसकी सुनू रूल्स तो ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं रख सकते ना इसलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव करने के लिए जैसे ही प्राइस सेवेंटी के ऊपर गया और जो सपोर्ट बनाया ना सबसे पहला हमें जहाँ पर भी एंट्री मिलेगा जैसे इस केस में तीसरा वाला जो पॉइंट है वहाँ पर एंट्री मिला हम उसे एंट्री मान लेंगे और समझो कि एक बार एंट्री हुआ टारगेट हिट हुआ या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ जब तक प्राइस वापस सेवेंटी के नीचे जाके वापस ऊपर नहीं आएगा तब तक हम री एंट्री नहीं लेंगे ओके आई होप ये क्लियर है अब बात है स्टॉप लॉस का उन्होंने बोला अगर आप इंट्राडे कर रहे हो आप ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग कुछ भी कर रहे हो तो आपको मैक्स स्टॉप लॉस 50 पॉइंट्स का रखना है आई मे बी कंप्लीटली रॉन्ग आप मेरे को कमेंट में करेक्ट कर सकते हो इन्होंने एटलीस्ट ये वीडियो में क्लियर नहीं किया है कि आप कौन सा वाला ऑप्शन लेते हो ऑप्शन एट द मनी है इन द मनी है या फिर आउट ऑफ द मनी है अब ऑब्वियसली अगर हम एट द मनी ऑप्शन की बात करते हैं तो जो स्पॉट चार्ट का 200 पॉइंट्स का मूवमेंट है ना वो एट द मनी ऑप्शन पे अराउंड 100 पॉइंट्स होता है अल्टीमेटली वो डेल्टा पे डिपेंड करता है एट द मनी में डेल्टा इज रफली अराउंड जीरो अब डेल्टा जितना वन के पास होगा उतना स्पॉट चार्ट को फॉलो करेगा तो इसके लिए जो आई टी होता है वो डेल्टा उधर वन के आसपास होता है और जैसे ही आप दूर जाते रहते हो आई से ए हो गया ए से ओ हो गया आपका डेल्टा का वैल्यू गिरता रहेगा और आपका ऑप्शन कंपेरेटिवली स्लो मूव करेगा निफ्टी से इसलिए अगर मैं उनका कहना मानता हूँ कि फिफ्टी पॉइंट स्टॉप लॉस है और मैं ए टी एम ऑप्शन से मानूँ तो मेरे को निफ्टी के चार्ट में स्टॉप लॉस हंड्रेड पॉइंट्स का रखना पड़ेगा और अगर आई टी एम ऑप्शन समझू तो मेरे को फिफ्टी का स्टॉप लॉस पकड़ना पड़ेगा ये उन्होंने शायद अपने कोई और वीडियोज़ में कवर किया होगा बट इसमें नहीं कवर किया आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो तो मैं चाहे तो वापस टेस्ट कर लूंगा बट इस वीडियो के लिए हम मैक्स फिफ्टी पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ही कंसिडर करेंगे इसमें एक और चीज़ है ये स्ट्रैटेजी हम स्टॉक्स के लिए भी यूज कर सकते हैं निफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए यूज कर सकते हैं उन्होंने बोला आप किसी में भी यूज कर सकते हो बट स्टॉप लॉस उन्होंने बोला फिफ्टी पॉइंट मैक्स होना चाहिए जैसे आपको पता है कि निफ्टी में लॉट साइज इज इक्वल टू फिफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉट साइज इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव और फिफ्टी पॉइंट्स ऑफ बैंक निफ्टी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स ऑफ निफ्टी उन्होंने एग्जाम्पल्स शायद बैंक निफ्टी का दिखाया इसके लिए उन्होंने बोलने के लिए फिफ्टी पॉइंट्स बोल दिया होगा आइडियली निफ्टी केस में परसेंटेज में डबल हो जाता है स्टॉप लॉस हम इसके लिए क्या करेंगे जो बैंक निफ्टी में लॉस अपन कंसीडर करेंगे ना निफ्टी में उसको ऑलमोस्ट हाफ कंसीडर करेंगे एंट्री वुड बी आई ऑफ द ट्रिकर कैंडल यहाँ पर यू कैन टेक ओनली वन एंट्री और फर्स्ट एंट्री जब आर एस आई फोर्टी क्रॉस करेगा और नेक्स्ट एंट्री आप तभी ले सकते हो जब वापस आर एस आई फोर्टी क्रॉस करेगा उसके अलावा आप कोई एंट्री नहीं ले सकते स्टॉप लॉस लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल इसमें आपको मिनिमम स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी के केस में ट्वेंटी पॉइंट्स का रखना है और मैक्स स्टॉप लॉस आपका फिफ्टी पॉइंट्स का रखना है ये उन्होंने अपने वीडियो में बताया था अगर ये केस आप निफ्टी में प्रैक्टिस कर रहे हो तो मिनिमम स्टॉप लॉस आपको टेन पॉइंट्स का रखना है और मैक्स टॉप लॉस आपको ट्वेंटी का रखना है अभी टारगेट सेम आर एस आई क्रॉस रूल्स अभी सिंपल लग रहा होगा ना चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं यहां देखिए यहाँ आर एस आई फोर्टी के नीचे जाके एक रेजिस्टेंस बना के वापस नीचे चला गया सो ये वाला पॉइंट है ना यहाँ पर हमारा ट्रिगर कैंडल हो जाएगा हम इसके हाई पे एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इसका लो रखेंगे जो इस केस में 50 के ऊपर है तो हम इसको 50 कर देंगे अनफॉर्चुनेटली दिस रिजल्टेड इन अ लॉस चलिए कोई बात नहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं ये एक दिन बाद देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ पर आर वापस फोर्टी के नीचे जाके एक रेजिस्टेंस बना के वापस नीचे चला गया और ये वाले पॉइंट पे अपन अपना ट्रिगर कैंडल मार्क करेंगे अभी हम इसके हाई पे एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस इसका लो रखेंगे विच इज लेस देन फिफ्टी पॉइंट्स और टारगेट जैसे ही आपका आर एस सेवेंटी हिट करता है हमें वहां पर एग्जिट लेना है सो दिस रिजल्टेड इन अ विन चलिए सेल रोल देखने से पहले आई वुड लाइक टू गिव टू चार्ट प्राइम वो आर ऑल्सो टूडेज स्पॉन्सर जिनको नहीं पता चार्ट प्राइम इज अ कस्टम इंडिकेटर सर्विस ये बाकी सब इंडिकेटर सर्विस जैसे आपको सिर्फ बाई देने वाले सर्विस नहीं है इनका गोल उन ट्रेडर पे फोकस्ड है जो अपने ट्रेडिंग करियर के मामले में सीरियस है और इनके टूल्स को एडिशनल कन्फॉर्मेशन की तरह अपने अनाल में यूज करेंगे इनकी एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग कम्युनिटी भी है डिस्कॉर्ड पे जहाँ ये लोग ट्रेड आइडियाज पोस्ट करते रहते हैं और नए सेटअप भी पोस्ट करते हैं इनके इंडिकेटर्स में आपको काम के और ज्यादा एक्यूरेट सिग्नल्स मिलते हैं बाकी के ट्रेडिंग सर्विसेज के कंपैरिजन में रेड भी बाकी सर्विस प्रोवाइडर के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट हाफ ही है जिसमें ये आपको सिक्स इंडिकेटर्स प्रोवाइड करते हैं विद ट्वेंटी डिफरेंट यूनिक कन्फ्लुएंस पॉइंट जो आप अपने एनालिसिस में यूज कर सकते हो ऑब्वियसली दिस इज नॉट फॉर एवरी और मैं आपको गारंटी भी नहीं दे सकता हूँ कि ये आपको हमेशा पैसा बना के देगा बट इतना तो हम भी जानते हैं कि हम ट्रेडर्स हैं और हम प्रोबेबिलिटी पर विश्वास करते हैं सो आई वुड एडवाइज टू टेक दियर वन मंथ सब्सक्रिप्शन एंड ट्राई आउट दर प्रोडक्ट योर सेल्फ और जितने एक्सपेरिमेंटेशन या बैक टेस्टिंग करना है कर लो अगर आपको सही लगता है तो ही कंटिन्यू करो वरना मत करना कौन फोर्स करता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा अगर आपने वहां से अकाउंट ओपन किया तो आपको फोर्टी परसेंट ऑफ मिल जाएगा जिससे आपको इफेक्टिवली प्रोडक्ट और सस्ते में मिल रहा है सो इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग देन मेक श्योर टू चेक दैम आउट चलिए सेल रूल्स भी देख लेते हैं फर्स्ट आर एस आई शुड क्रॉस सेवेंटी फिर आर एस आई शुड टेक अ सपोर्ट एंड गो अबाव फिर द कैंडल वेर आर एस आई टूक सपोर्ट विल बी अ ट्रिगर कैंडल एंट्री लो ऑफ द ट्रिगर कैंडल यहां पर भी जैसे ही आपका आर एस आई सेवनटी क्रॉस करेगा उसके बाद आपको जो पहला एंट्री मिलेगा आपको वो लेना है और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आर एस आई सेवनटी क्रॉस करेगा तभी आपको एंट्री लेना है उसके अलावा आप बीच में एंट्री नहीं ले सकते स्टॉप लॉस हाई ऑफ द ट्रिगर कैंडल यहाँ पर भी फॉर बैंक निफ्टी मिनिमम एंड मैक्सिमम स्टॉप लॉस इज ट्वेंटी एंड फिफ्टी पॉइंट्स और अगर आप निफ्टी का देख रहे हो तो मिनिमम एंड मैक्सिमम विल बी टेन एंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट्स और टारगेट वेन आर एस आई क्रॉस फोर्टी पॉइंट्स सो दिस एग्जाम्पल वॉज अ विन चलिए रूल्स अभी थोड़ा समझ रहा होगा इसका एक निफ्टी में भी एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ देखिए यह आर एस आई सेवनटी के ऊपर जाके एक सपोर्ट बना के वापस ऊपर गया सो so, ये वाला पॉइंट हमारे लिए ट्रिगर कैंडल होगा सो so, हम इस कैंडल के लो पे एंट्री लेंगे स्टॉप लॉस इस कैंडल का हाई रखेंगे विच इज लेस देन 25 पॉइंट्स और टारगेट जैसे ही आर एस आई फोर्टी हिट करेगा हमें वहाँ पर एग्जिट लेना है सो दिस रिजल्टेड इन अ विन चलिए आई होप स्ट्रैटेजी क्लियर है अगर आपको डाउट है तो आप उनका वीडियो जरूर देख सकते हो तो इस स्ट्रैटेजी को हम हंड्रेड टाइम्स टेस्ट करेंगे और इसका असली विंडेट चेक करेंगे आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट चलिए रिजल्ट देखते हैं सो द टेस्ट आर ओवर जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वॉज हंड्रेड उसमें से ट्वेंटी सेवन वॉज विन एंड मैक्स ड्रॉडाउन इज माइनस सेवन पॉइंट फोर सेवन परसेंटी रो इज फोर एंड कंटिन्यूस लूज इन अरोस्ट वॉज वन पॉइंट टू मंथ्स जैसे आप देख सकते हो स्ट्रैटेजी इज प्रॉफिटल गेन इन अकाउंट इज लेवन पॉइंटेंट वेर एज ड्रॉडाउन इज माइनस सेवन पॉइंट फोर सेवन परसेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग स्ट्रैटेजी इज गुड नो डाउट विन रेट बहुत कम है बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा मिल जाता है और आरपीटी भी कम है बट आई वुड स्टिल प्रिफर फाइव ई एम ए कम्पेयर टू दिस ऑब्वियसली ये मेरा ओपिनियन है आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है कमेंट में मेरे को जरूर बताना आपको. आपको ये अच्छा लग रहा है कि फाइव ई ए ज्यादा अच्छा लगा एनी वेज कूडोज टू मिस्टर पानी फॉर शेयरिंग दिस स्ट्रैटेजी विद एज ऑलवेज जैसे मैं आपको बोलता हूँ सीधा मेरी बात या किसी की भी बात आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है हर स्ट्रैटेजी को आपको पहले खुद टेस्ट करना है और फिर डिसाइड करना है कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है सो आई एल एड द स्ट्रैटेजी इन द गूगल शीट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड दिस टेक्स द सेवनटीन पोजिशन द लिस्ट यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और री वॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी यू लाइक सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट इस बाई सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड द दिल नोटिफिकेशन एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड मेक श्योर टू चेक चैट प्राइम उनका अभी हॉलीडे ऑफर चालू है जहाँ पर आपको इफेक्टिवली उनका प्रोडक्ट 40 परसेंट तक ऑफ मिल रहा है और अगर आप उनको सपोर्ट करना चाहते हो तो यूपीआई आई आपके स्क्रीन पे होगा और अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो मैं नीचे जीरोता का लिंक डाल दूंगा हमसे अकाउंट बना के आप चैनल की थोड़ी हेल्प कर सकते हो और अगर आपको ये वाली बैक टेस्टिंग शीट चाहिए तो मैंने ऑलरेडी शेयर किया है अपने चैनल पर आपको यह वीडियो दिख रहा होगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा आप इसको देखना आपको मिल जाएगा प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते कि हम बैक टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में ये भी जरूर बताना आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरे के वीडियोज भी देख सकते हो ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन प्लीज फॉलो एंड शो योर सपोर्ट मोर ऑसम कंटेंट्स